जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भोजपुर आरा के ब्याहू धर्मशाला करमन टोला आरा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह समीक्षा बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जाप के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह तथा संचालन आरा प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार सोनू झा द्वारा जिला के सभी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों एवं जिला के सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की तैयारी का प्रशिक्षण दिया गया। सोशल मीडिया के महत्व, पार्टी के नीतियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। जाप लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में सभी पदाधिकारियों से पंचायत स्तर तक एवं बूथ स्तरों पर चल रहे कार्यों का संगठन विस्तार समीक्षा की एवं आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ मंत्र दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भोजपुर जिला के सभी विधानसभा पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। प्रदेश के उपाध्यक्ष काशीनाथ यादव ने कहा कि अपने अनुभव साझा किए एवं कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी की नीतियों की जानकारी दी। जाप लोकतांत्रिक युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भवन यादव ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावी समर के लिए कमर कस लेने और पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरने की जन संपर्क में निरंतर विस्तार की बातें की। हम साथी प्रदेश के सचिव धनंजय मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के हालत पर एवं वर्तमान सरकार के विभिन्न स्थानों से जनता को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की और सरकार के द्वारा जनता के प्रति उदासीनता को लेकर रोष व्यक्त किया। प्रदेश सचिव संजय यादव, बाबू अविनाश शर्मा, सुरजीत कुमार, शुभ नारायण सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार, मदन कुमार, शक्ति ओझा, हरेंद्र कुमार, हरकृष्ण सिंह, मनोज कुमार, पप्पू यादव, युवा अध्यक्ष रघुपति यादव, नंदलाल यादव, सुजीत कुशवाहा, रितेश कुमार, मोहम्मद परवेज आलम, राम तपस्या यादव, हरेंद्र कुमार के साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज के डेट में आपके नेता जब लाइव आते हैं,
श्रीमान बाबू यादव जी जब लाइव आते हैं तो आप में से कितने लोग उनका लाइव सुनते हैं? क्यों? जब आप उनका लाइव सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस क्षेत्र की वो नेतागिरी कर रहे हैं उस क्षेत्र के एक एक जगह की समस्याओं के बारे में उनको पता है। वो आपको जितना आरा की समस्या के बारे में बता सकते हैं उतना ही सुपौल पूर्णिया के बारे में बता सकते हैं, उतना ही पूर्वी पश्चिमी चंपारण के बारे में बता सकते हैं, उतना ही गया के बारे में।